तो राम राम सही भाइयों को क्या है भाइयों, आप सबकी उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो भाइयों फाइनली टाटा रिवील कर दी गई है, जो कि बहुत सारे लोगों दोस्तों पसंद आई है गाड़ी। और टाटा की तरफ से ये एक छोटी एसयूवी होने वाली है, जो कि दोस्तों दिखने में छोटी लगने वाली है, लेकिन आखिरकार इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं, जो इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी शानदार होने वाली है। आप सबको पता ही है टाटा की गाड़ियों की सॉलिडनेस तो होती बहुत ज़बरदस्त है। तो आप देख सकते हैं सामने टाटा पंच का रेड कलर खड़ा है, जो कि दिखने में काफ़ी शानदार लग रहा है। आप देख सकते हैं इसे डायमंड कट अलॉय व्हील जो कि 16 इंच के हैं, कितने शानदार लग रहे हैं। रूफ इस गाड़ी की ब्लैक में आने वाली है, यानी कि इस गाड़ी का जो आपको रूफ है वो डुअल टोन कलर के ऑप्शन में मिलने वाली है। बाकी ऐसी कुछ आपको टाटा पंच दिखने वाली है दोस्तों, जो कि आगे से आपको टाटा नेक्सॉन और टाटा हैरियर की जो इसमें LED लाइट्स हैं, वैसी कुछ आपको डिज़ाइन मिलने वाला है। रियर में भी आपको LED DRLs मिलने वाले हैं। और काफ़ी ऊंची गाड़ी है ये, मान लो कि नेक्सॉन जितनी इस गाड़ी की हाइट है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी का अच्छा खासा है, 170 या 180 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। बाकी ये गाड़ी का टाटा पंच का टॉप मॉडल है दोस्तों, जो कि दिखने में भी आप काफ़ी शानदार लग रहा है। इस गाड़ी में दो ही कलर सबसे ज़्यादा बिकने वाले हैं, एक तो ब्लू कलर और एक इसका रेड कलर, जो कि एक अट्रैक्टिव कलर है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी इस गाड़ी की काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा है। बाकी दोस्तों ये अगर हम इस गाड़ी के लॉन्चिंग की बात करें, तो ये गाड़ी आपको मतलब इस फेस्टिवल सीज़न तक लॉन्च हो जाएगी, यानी कि दिवाली के आसपास ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी दोस्तों। और जो लोग गाड़ी लेने का सोच रहे हैं दिवाली के आसपास, उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। प्राइसिंग मैं बता दूँ, इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो 5 से 8 लाख के आसपास होने वाली है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग है। और इंटीरियर कुछ ऐसा कुछ आपको गाड़ी में मिलने वाला है, जो कि आपको ब्लू के हाईलाइट्स मिलने वाले हैं दोस्तों। ऑल ब्लैक कलर में इसमें आपको इंटीरियर मिलने वाला है। बाकी अगर हम इसमें इंजन की बात करें, तो इसमें आपको सेम इंजन मिलने वाला है, जो कि टाटा की अल्ट्रोज में मिलता है, टाटा टियागो में मिलता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन का ऑप्शन अभी इसमें ऐसा कुछ रिवील नहीं हुआ है, लेकिन अभी इसमें पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन आने वाला है। ये समझ लो ये एक मिनी SUV होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटीज़, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो भी अच्छे होने वाली है, 5 से 8 लाख तक की रेंज में आपको एक मिनी SUV मिल जाए, और क्या चाहिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना गाड़ी आपको कैसी लग रही है, और गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो दोस्तों पर्सनली काफ़ी शानदार लग रही है गाड़ी को, थोड़ा स्पोर्टीनेस इस गाड़ी में ऐड करी गई है। बाकी यही था दोस्तों आज की हमारी वीडियो में, टाटा पंच का आपको एक ओवरऑल लुक देना था, जो कि हाल ही में इस गाड़ी का जो लुक है वो दिखाया गया है। तो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, फिर ऐसे ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।